नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं आपको पनीर बनाना बता रही हूँ। इसे पनीर दो प्याज़ा कहते हैं। ये मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है, मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। ये दो तीन प्याज लिए थे, फिर ये इस तरीके से कट किए हैं। छोटा छोटा प्याज काटिए, इस तरीके से काट लीजिए। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है। एक टमाटर पीस लिया मैंने, ये देखिए ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है। इसमें मैंने लौंग, काली मिर्च, जीरा, ये सब ये डाल करके तड़का लगाया है। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। चलाएंगे देखिए, लहसुन अदरक का पेस्ट पक चुका है, इस तरीके से पक जाना चाहिए। अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। देखिए मैं प्याज को इस तरीके से भूनूंगी। ये बहुत ब्राउन नहीं करेंगे, ट्रांसपेरेंट हो जाए इस तरीके से भूनेगा। देखिए प्याज मेरा पक गया है, इस तरीके से पका लीजिए। अब इसमें टमाटर पिसा हुआ डाल दीजिए। ये मैंने एक टमाटर बड़ा पीसा था, अगर छोटा तो दो ले लीजिए, नहीं तो एक काफ़ी है इसमें पनीर के लिए। और इस तरीके से चलाइए। और इसे भी अच्छे से भून लीजिए। अब मैं इसमें 2 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी। और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पिसा हुआ। हल्दी मैं नहीं डालती हूँ इसमें। ये 2 हरी मिर्च डालेंगे इसमें। एक लाल मिर्च है, वो हरी मिर्च ही लाल हो गई थी, वो मिर्च है। इसको डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसमें डाल दीजिए इस तरीके से, डाल के थोड़ा सा पकाइए। देखिए टमाटर पक चुका है। अब इसमें मसाले ऐड करूँगी, धनिया और मिर्च, इस तरीके से डाल दीजिए। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। डाल करके थोड़ा सा पानी पका लेंगे। ये देखिए अब आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। इसमें एक चम्मच नमक डाल दिया, नमक डाल के ही पकाऊंगी। देखिए मसाले पक चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ी 1 चम्मच मलाई ऐड करूंगी। मलाई डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। घर की मलाई होनी चाहिए, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और चलाइए इस तरीके से, इसे भी पका लीजिए। अब देखिए मलाई पक चुकी है। जब तेल ऊपर आ जाएगा समझ लीजिए कि मलाई पक चुकी है ना। देखिए अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब कश्मीरी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। इतना कश्मीरी मिर्च डाल लीजिए और चलाइए। फिर थोड़ा सा पानी डालिए, इसे भी अच्छे से भून लीजिए। अब देखिए तेल ऊपर आ गया है, मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें पनीर डालूंगी।
डाल के इस तरीके से चलाएंगे। देखिए पनीर को मिक्स कर लिया है, अब देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए इसे भी मैं 5 मिनट के लिए ढककर पकाऊंगी। देखिए 5 मिनट हो गया है, मेरा पनीर अच्छे से पक गया है। अब चाहें तो आप इस पनीर को ऐसे ही रख सकते हैं, धनिया की पत्ती डाल करके गर्म मसाला धनिया पत्ती डालिए और सर्व करिए, या आप ग्रेवी चाहती है तो थोड़ा पानी डालिए। देखिए मैं इसमें 1/2 कप पानी डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, इसलिए अगर कोई ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा डालिए अपने हिसाब से। इस तरीके से डालिए, इसे फिर 5 मिनट पकाइए। देखिए सब्जी रेडी हो चुकी है, अब मैं इसमें गरम मसाला छोटा 1 चम्मच ऐड करूँगी। डाल के चलाइए, गरम मसाले को मिक्स कर लीजिए। सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है, अब मैं इसमें धनिया की पत्ती डालने के लिए। देखिए कितनी अच्छी सब्जी तैयार है एकदम, चला लेंगे थोड़ा सा इसको। सब्जी रेडी हो चुकी है, अब मैं गैस बंद कर दूंगी। देखिए अब मैं इसे सर्व करती हूँ खाने के लिए इस तरीके से। देखिए कितनी प्यारी लग रही, कितना अच्छा इसका कलर आया है, और बहुत खाने में जितना कलर अच्छा उतनी खाने में टेस्टी होगी। ये देखिए अब आप इसको रोटी पराठा पूड़ी चावल दाल जिसके साथ भी खाना चाहे खा सकती हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगी।